हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके तीन पार्ट्स हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ टफ नहीं है इसमें, जो आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, बस वही यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं, 12, 15 एंड 21। 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का करेंगे, 15 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से करेंगे, 3 5 ज़ 15 और ये 5 प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 ज़ 5, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 3 इंटू 5। 21 के क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर्स, 21 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 7 ज़ 21, 7 इज़ अ प्राइम नंबर तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 ज़ 7, तो यहाँ पर आया हमारे पास 3 इंटू 7। इसका HCF देखेंगे, HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, सेम 2 अगर यहाँ पहले नहीं था तो अभी भी नहीं है, ठीक है, 2 ना यहाँ है ना यहाँ है। और 3 को देखेंगे, 3 एंड 3, 3 कॉमन है, सो 3 हमारा क्या होगा, HCF, बाकी और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है। LCM में क्या होता है, जो वैल्यू आपकी कॉमन हो वो तो आप ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 5 जो और कहीं भी नहीं है वो भी हमारे LCM में होगा, और 7 जो और किसी भी वैल्यू में नहीं है वो भी होगा। मीन्स HCF में सिर्फ वो वैल्यू जो कॉमन आई है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, LCM में जो वैल्यू कॉमन आई है उसको लिख लोगे, और जो कॉमन नहीं आई है फिर बाद में उन सबको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ 12, 12 5 ज़ 60, 60 इंटू 7 कितना आ जाएगा LCM हमारे पास, 420। सो दिस इज़ योर आंसर, ये HCF है हमारा और ये LCM। नेक्स्ट हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 17, 23 एंड 29। अगर आप तीनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखते हो तो तीनों के तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ओके, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, किसी भी टेबल पर नहीं जाएंगे, तो अगर इनके प्राइम फैक्टर्स देखते भी हैं तो 17 और 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर वाली वैल्यू है तो उसके फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो खुद वो नंबर और सेकंड सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं। ऐसे ही 23 में 23 और 1 तो सभी का सभी के फैक्टर्स में आता है और प्राइम नंबर्स में भी आता है। 29 में भी यहाँ पे फर्स्टली 29 एंड 1, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो HCF क्या होगा, जब किसी भी वैल्यू में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती तो क्या कॉमन आता है, सिर्फ 1, ठीक है, तो उनका HCF क्या होता है, सिर्फ 1। और LCM क्या होगा, LCM अब इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 29, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा 11,339, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास 8 है, 9 है और 25 है, 8, 9, 25। 8 के जब हम फैक्टर्स देखेंगे, 2 4 ज़ 8, 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, तो 8 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, 9 3 से जाएगा, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3, ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 9 के 3 इंटू 3। यहाँ पर 25 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 25 ना 2 पे जाएगा ना 3 पे, किससे जाएगा, डायरेक्ट 5 से, ओके, सो 5 5 ज़ 25 और 5 1 ज़ 5, ओके, तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5
इंटू फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एच सी एफ देखोगे तो कोई भी वैल्यू तीनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पर टू है, ठीक है, थ्री टाइम्स, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे टू टाइम्स आपके पास थ्री है, बट ना थ्री यहाँ पर है ना यहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास टू टाइम्स फाइव है, लेकिन बाकी दोनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स में फाइव नहीं है, ओके। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, सॉरी एच सी एफ क्या होता है, वन, ओके। और एल सी एम हम इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री लिख सकते हैं ना, टू की पावर थ्री, टू क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसे हम थ्री स्केयर लिख सकते हैं, इसे भी हम फाइव स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इनको ऐसे ही सिंगल सिंगल वैल्यू लेके मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर इस तरह से लिख लोगे तो थोड़ा इजी रह जाएगा, कोई वैल्यू मिस नहीं होगी। तो टू क्यूब मल्टीप्लाई थ्री स्केयर मल्टीप्लाई फाइव स्केयर, ओके। टू का क्यूब कितना होगा, एट, थ्री का स्केयर नाइन, फाइव का स्केयर 25, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। ये होगा आपका एल सी एम और एच सी एफ होगा इसका वन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।